के सब्सक्राइबर से मुझे इतना प्यार मिलता है। इस गाड़ी का प्राइस है 2,15,000 रुपये। 17 मॉडल में ऑल्टो भी नहीं मिलेगी आपको। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या आज जूम व्हील्स पे ऑलमोस्ट डीलर प्राइस की बात कर रहे हैं? ऑलमोस्ट डीलर प्राइस की, मतलब अप्रोक्स डीलर प्राइस तक पहुँच चुका हूँ मैं। इसकी भी बड़ी खास बात है, ये ऑटो ट्रांसमिशन में टीयू भी है। आज की डेट में थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम रहती है ऑटो ट्रांसमिशन। और एक और खास बात है, 786 नंबर। आप हमारा रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ना ही ये रिव्यू मिलेगा कि हम गाड़ी महंगी सेल करते हैं, ना ही आपको ये रिव्यू मिलेगा कि हम हमारी गाड़ी के अंदर कोई कमी मिलती है। छोटे प्रोडक्ट है तो बड़ी जल्दी बिकती है। 1,70,000 रुपए की है। स्कूटी से सस्ती गाड़ी है ये। सिर्फ दूंगा मैं आपको ये गाड़ी, मैं सिर्फ और सिर्फ 3,80,000 की दूंगा। यो यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री महाराष्ट्र के एक और इंटरेस्टिंग बहुत सारी गाड़ियों के एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है ये है एपिसोड जूम व्हील से, और आज हम आपको दिखाएंगे इनके स्टॉक की बहुत सारी गाड़ियाँ। बहुत सारी मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनके पास इंडियन सेगमेंट की एक से एक गाड़ी अवेलेबल होती है, जो लोग सबसे ज़्यादा आप डिमांड करते हो माय कंट्री महाराष्ट्र चैनल पे। तो हमारे साथ हैं अभी परेश भाई, सबसे पहले हाथ मिलाओ और कोरोना को दूर भगाओ। कैसे बहुत जल्दी भागेगा कोरोना दूर। सभी सब्सक्राइबर को सबसे पहले नमस्कार। आज जूम व्हील्स एक प्राइस चैलेंज ले रहा है। अच्छा, किसी और से नहीं, खुद से ले रहा है। आज हम जितनी भी गाड़ियाँ दिखाएंगे उनमें कुछ स्कीम नहीं होगी। अच्छा, स्कीम जीरो, लेकिन प्राइस लास्ट एंड लीस्ट मार्जिन स्क्वीज कर दिया, मार्जिन दबा दिया है। इस वक्त सिर्फ टारगेट जूम व्हील्स का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ सेल हो जूम व्हील से। और जो आपके सब्सक्राइबर दूर दूर से आते हैं, कोई हिमाचल से आता है, कोई लद्दाख से आता है, कोई राजस्थान से आता है, तो मेरे को बड़ा मतलब अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और मेरा दिल कहता है कि हर जगह गाड़ी जानी चाहिए, और उस गाड़ी के पीछे एक जूम व्हील्स का स्टिकर लगा होना चाहिए। इसी वजह से आप हर स्टेट में जूम व्हील्स की गाड़ी होनी चाहिए। तो आज कहने का मतलब यह है कि आज आपको प्राइस मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा लो एज़ कम्पेयर टू हमारी प्रीवियस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरी देखना, लेकिन इस पूरे जूम व्हील को ऑपरेट करने वाले परेश भाई अकेले नहीं हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम है जो आपके साथ मतलब मेहनत करती है, आपको गाड़ी दिखाती है और हर चीज़ में हेल्पिंग हैंड देती है। तो भैया आज टीम से भी इंट्रोड्यूस कराओगे? आज हम अपनी टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन पूरी टीम है अपने साथ। तो सबसे पहले सबको एक बार हेलो जरूर कर दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जीत। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप जैन। जय गुरुजी, अजय कुमार। हेलो गाइस, माय नेम इज रजत ग्रोवर। हाय, आई एम दिनेश शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य वर्मा। तो भाई ये है जो जूम व्हील्स की टीम है, आप दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यही चेहरे जो हैं वो दिखेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है सबसे ज़्यादा कि सभी क्लाइंट को सर्टिफाइड गाड़ियाँ मिले, गाड़ियों की क्वालिटी मिले। कोई भी क्लाइंट हमसे गाड़ी ले जाए, आप हमारा रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ना ही ये रिव्यू मिलेगा कि हम गाड़ी महंगी सेल करते हैं, ना ही आपको ये रिव्यू मिलेगा कि हम हमारी गाड़ी के अंदर कोई कमी मिलती है। हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कार हो। सर्टिफिकेशन से क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ी का? सर्टिफिकेशन होता है, जैसे हमारा टाइप है ओलेक्स से, तो वो उनका इंजीनियर आता है, वो सारी गाड़ियाँ सर्टिफाइड चेक करके जाता है। छोटी सी चीज़ों के लिए हम भी देखो सब क्लाइंट को बोलते हैं इग्नोर करें। यूज़ कार कहीं से भी, मेरे से नहीं, किसी भी डीलर से बाय करें, 2,000-5,000 रुपये का रहता है। हाँ। आपको कराना पड़ेगा। मेन ऐसा ना हो इंजन खराब है, एक्सीडेंटल है, आपके चारों टायर फटे हुए दे दिए, इस टाइप की कोई चीज़ें हो तो आप बोल सकते हैं, डीलर को ब्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी चीज़ों के लिए कोई पंचर लग गया, पंचर हो गया, आप ब्लेम ना करें किसी डीलर को भी, किसी डीलर को। हाँ, किसी को बिल्कुल ठीक है कि आप यूज्ड कार ले रहे हैं, ये शीशा अगर ये फोल्ड नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, बट हाँ अगर इंजन में दिक्कत है तो वो मेजर हो जाएगी। हम कोशिश यही करते हैं, हम भी जब परचेज करते हैं, देखो हम भी विद इन 2-5 मिनट में गाड़ी परचेज करते हैं, हम 5 मिनट में 200 चीज़ें नहीं दे सकते, बट हम क्या देखते हैं, गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, गाड़ी का इंजन रिपेयर ना हो रखा हो, गाड़ी का इंजन सील्ड हो, गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो, हम इस चीज़ पर गाड़ियाँ बेचते हैं। और आज आपको एक और चीज़ बता दूँ, 2010 मॉडल की कोई भी गाड़ी, सपोज हम होंडा सिटी का एक लेते हैं, 2010 मॉडल की होंडा सिटी
कोई डीलर 2 लाख की भी बेच रहा होगा, कोई 2.5 की भी बेच रहा है, कोई 2.75 की बेच रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2.75 वाला लूट रहा है और 2 लाख वाली बहुत सस्ती दे रहा है। 2 लाख वाली सस्ती दे रहा है तो आपको देखना है उसमें क्या कमी है। वो या तो मीटर टेम्परिंग है, एक्सीडेंटल है, इंजन रिपेयर्ड है, क्या कंडीशन है। अगर आपको सारी चीज़ों पर वो मिलती है तो आप ज़रूर लीजिए। कई बार होता है कि सस्ती चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर बाद में कस्टमर बोलते हैं यार उस डीलर ने मुझे ख़राब गाड़ी दे दी, सस्ती आपने लिया। सर चलिए हम आपको आज वैरायटी जो दिखा रहे हैं उसमें आप प्राइस नोटिस करिएगा, क्योंकि अब बहुत सारी हम आपको गाड़ियां दिखाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द होंडा सिटी बीएल। आप सभी रिक्वेस्ट और करूंगा, आप ही सभी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा सारा कैटलॉग भी अपडेटेड है, ठीक है, सारा कैटलॉग चेक कर लेना। अगर उसमें आपको सारी गाड़ियां मिलेंगी, इसके अलावा जो दिखा रहे हैं इसके अलावा भी गाड़ियां हैं, परफेक्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होंडा सिटी से। 2010 मॉडल है, SMT है, ऑनर सीरियल सेकंड है, फैंसी नंबर के साथ है, 60-65 हज़ार चली है। इस गाड़ी का प्राइस है 2,65,000 रुपए। ये जो प्राइस एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, प्राइस है हमारे इस प्राइस में सिर्फ नो नेगोशिएशन, नो स्कीम, ओनली बुकिंग। मैं 3 लाख रुपए बोल के 2.80 की गाड़ी बेचूं, उसमें आपको एक स्कीम दे दूं, मैं नहीं कर रहा इस बार। तो ये डॉट प्राइस पे दे रहा हूं, 2,65,000 की 2010 होंडा सिटी, ठीक है जी। 2014 मॉडल है, होंडा है, SV है, डीजल है, सेकंड ओनर है, 3,90,000 की। वाओ। और आप सभी भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें प्राइस देख लेना क्या है, कर लेंगे। पता चल जाएगा। 2017 मॉडल है, जेटा है, पेट्रोल की सियाज है, पुश बटन स्टार्ट है, इसमें सिर्फ नेविगेशन नहीं आता, बाकी सारे फीचर्स है। गुड़गांव रजिस्ट्रेशन है, सिंगल ओनर है, 44 विद सर्विस रिकॉर्ड। इस गाड़ी का प्राइस है 7,10,000 रुपए। सिर्फ आपने इस बार बुकिंग करनी है, गाड़ी देखनी है और ले जानी है। 2014 डिजायर LDI ऑप्शनल है, VDI कन्वर्टेड कहते हैं, ऑनर सीरियल सिंगल है। ये गाड़ी मिलती है 3.5 लाख रुपए की, बहुत बढ़िया। 2016 सियाज ZDI प्लस टॉप एंड विद नेविगेशन वाली डीजल की गाड़ी चली है 66,000, गाड़ी मिलती है 5,90,000 की। वंडरफुल। 2015 मॉडल सियाज दिसंबर की, ZXI प्लस पेट्रोल, UP 14 रजिस्ट्रेशन, गाड़ी यस नो में मिलती है 5,70,000 की। कौन कौन से नंबर हम लोग वैसे मोस्टली रखते हैं? कुछ यूपी के भाइयों के लिए बहुत अच्छी रखी है, एक आधा गाड़ी महाराष्ट्र की भी रखी है, MP भी है, एक उड़ीसा भी रखी है। अच्छा जी। और 2-3 लग्जरी गाड़ी रखी है, मैं ज़्यादा लग्जरी गाड़ी नहीं लेता हूँ, बट 2-3 है। 2014 मॉडल है, SX4 है, डीजल है, VDI है, सिंगल ओनर है, डीजल की SX4 जस्ट लाइक डिजायर है, सेम इंजन मिल जाता है आपको। और इस गाड़ी का प्राइस है 3,30,000 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वेंटो है 2019, 6,000 चली, ऑटोमेटिक, UP 14 पेट्रोल हाई लाइन, ये गाड़ी मिलती है 9.5 लाख रुपये की। वंडरफुल। अब बात करते हैं 2019 मॉडल, एक्सेंट है, सिक्वेंशियल CNG ऑन पेपर है, फैंसी नंबर है, UP 14 गाजीबाद, गाड़ी बहुत अच्छी है, 68-69 विद सर्विस रिकॉर्ड है, सर्टिफाइड कार है, सर्टिफिकेशन का इसके ऊपर स्टैम्प भी है। और ये गाड़ी हमारी मिलती है 5,15,000 रुपए की। बहुत बढ़िया। बात करते हैं आगे। 2013 मॉडल इटियोस GD, डीजल की इटियोस की बहुत डिमांड रहती है, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश बहुत जाती है। 2013 डीजल की इटियोस GD सिंगल ऑनर, 70-80 हज़ार किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड है। ये गाड़ी का प्राइस है 2,70,000 रुपये, ठीक है। होंडा सिटी ऑटो ट्रांसमिशन में मिलना बहुत मुश्किल है। 2009 है, सिंगल ऑनर, 76,000 विद सर्विस रिकॉर्ड, ऑटो ट्रांसमिशन में VMT होंडा सिटी, 2,85,000 रुपए की। 2017 मॉडल है, डेटसन गो है, पेट्रोल है, 36,000 विद सर्विस रिकॉर्ड है। इस गाड़ी का प्राइस है 2,15,000 रुपए। 17 मॉडल में ऑल्टो भी नहीं मिलेगी आपको। वरना है सेडान, पेट्रोल में है, 2012 है, ओके। इस गाड़ी का प्राइस है 3,65,000 रुपए, ठीक है। वंडरफुल। 2017 मॉडल वैगनर, कंपनी CNG, सिंगल ओनर है, इस गाड़ी का प्राइस है 3,45,000 रुपये, 345। ये वैगनर है 2015 मॉडल, सिंगल ओनर है, ये गाड़ी का प्राइस है 3,15,000 रुपये, कंपनी CNG है ये गाड़ी भी। डिजायर है 2017 VDI न्यू शेप, गाड़ी चली है सिर्फ 20-22 हज़ार किलोमीटर, इस गाड़ी का प्राइस है 6,25,000 रुपये। इग्निस डीजल, दोनों में कोई फर्क है? एक पेट्रोल ऑटो है, एक डीजल मैनुअल है, डीजल है, डेल्टा है, सिंगल है, गाड़ी 60-70 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, ये गाड़ी का प्राइस है 4,15,000 रुपये, ठीक है। इग्निस ऑटो ट्रांसमिशन में पेट्रोल, जेटा, पुश स्टार्ट, सिर्फ 9,500 किलोमीटर चली हुई, इस गाड़ी का प्राइस है 5,15,000 रुपये। 2019 LXI ऑप्शनल, आपने कई वीडियो में देखी होंगी ये वीडियो, लोग डालते हैं 19 मॉडल, ये 2019 ही है हमारे पास भी। स्विफ्ट है, LXI ऑप्शनल है, सिंगल है, HR 51 है, इस गाड़ी का प्राइस बहुत छोटा है, 4,80,000 रुपये, बहुत बढ़िया, 20-22 हज़ार चली है सिर्फ। जेटा पुश स्टार्ट में डीजल की, बलिनो मिलती नहीं है, बलिनो ढूंढने से, 2017 बलिनो जेटा पुश स्टार्ट डीजल, 45-50 हज़ार चली है, गाड़ी का प्राइस है 6,25,000 रुपये।
बहुत बढ़िया। एक आपको अमेज भी नहीं मिलेगी, 2020 अमेज, 2020 मॉडल, 2020 अमेज। आप सभी सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, इतनी ज्यादा वैरायटी लाया हूं ना इस बार कि आप लास्ट तक कहते रहोगे कि आपका मतलब इंटरेस्ट खत्म ही नहीं होगा इस वीडियो में। वाओ, 2020 मॉडल अमेज VX, गाड़ी सिर्फ और सिर्फ चली है 15,000 किलोमीटर। गाड़ी देते हैं हम 7,15,000 रुपए की, सिर्फ 15,000 चली VX टॉप मॉडल पेट्रोल। नहीं, कितने की अप्रोक्सीमेटली? नहीं है, 9,20,000 रुपए की। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 2,00,000 रुपए लेस हो गए एक साल में, इससे ज्यादा नहीं होंगे, नहीं तो 5 साल में जीरो हो जाएगी। फैंसी नंबर 7171 नंबर है। 2011 मॉडल है, जैज है, VMT है। ये गाड़ी का प्राइस है 2,45,000 रुपए। ओके, 2011 मॉडल है, i20 है, मेगना है, पेट्रोल है, 2,40,000 रुपए। ठीक है, ढूंढ के दिखाना है इस बार, प्राइस चैलेंज है, जूम व्हील्स का, जूम व्हील्स का प्राइस चैलेंज है। 2016 मॉडल है, UP14 है, सिंगल ओनर है, पेट्रोल की है, गाड़ी 40,000 चली हुई है। इस गाड़ी का प्राइस है 4,75,000, 4,75,000। डीजल की i20, 2014 मॉडल है, UP14 रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद का, ओनर सीरियल सिंगल मेघना, डीजल में बहुत ही संभली हुई गाड़ी है। इस गाड़ी का प्राइस है 3,60,000 रुपए। 14 मॉडल मिलेगी नहीं कहीं, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स मॉडल में है, i20 2018 है, ओनर सीरियल सेकंड है। ओके, गाड़ी चली है 25,000 किलोमीटर। इस गाड़ी का प्राइस है 5,50,000 रुपीस, 5.5 लाख। 2017 है, इलाइट है, एस्टा है, सिंगल ओनर है। इस गाड़ी का प्राइस है 5,45,000 रुपए। प्राइस नेगोशिएशन नहीं करी इस बार, ये फिक्स है ना, प्राइस लास्ट है। ठीक है, 2017 मॉडल है, ग्रैंड है, ऑटोमेटिक सिक्वेंशियल CNG ऑन पेपर, 40,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। ये गाड़ी देंगे हम लास्ट 4,65,000 की। 2014 मॉडल है, फोर्ड फीको है, इसके ओनर सीरियल 3 है, डीजल की गाड़ी है, थर्ड ओनर है। इस गाड़ी का प्राइस है 2,40,000 रुपये। i10 2015 UP16 पेट्रोल, 2,85,000 रुपये की। 2012 है, W8 है, डीजल की है, ग्रे कलर की है। इस गाड़ी का लास्ट प्राइस है 5,10,000 रुपये, XUV। ये फाइनल है जी। Okay. एक महाराष्ट्र वालों के लिए भी लाया हूँ, 2015 है, XUV 500 W10 विद सनरूफ, गाड़ी चली है 1,00,000 किलोमीटर। अच्छा, गाड़ी का प्राइस ऐसा दूंगा मात्र 8,00,000 रुपए में, महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगी 8,00,000 रुपए में XUV 500। अच्छा, आपने आगरा की इसलिए बात करी, UPSC आगरा, ठीक है, UPSC है, 2015 मॉडल है, W10 है, सनरूफ है, ओनर सीरियल इसका सेकंड है। ये गाड़ी मिलती है 9,30,000 रुपए की। ये UP19 है, शामली का, मेरठ साइड पे पड़ता है। 2016 है, W8 है, गाड़ी चली है सिर्फ 40,000 किलोमीटर, इसमें सनरूफ नहीं आती, बाकी सारे फीचर्स हैं, ओनर सीरियल सिंगल है। ये गाड़ी हम देंगे 9,65,000 रुपए की लास्ट। ये UP15 मेरठ की पड़ गई। 2015 है, W10 है, सनरूफ है, सेकंड ओनर है, 50-60,000 के बीच में सारी गाड़ी चली है, सिर्फ एक महाराष्ट्र नंबर 1,00,000 चली हुई थी बस, ठीक है, बाकी सारी 50-60 चली है। इस गाड़ी का प्राइस है 9,30,000 रुपए। 2012 है, सेकंड ओनर है, गाड़ी ये बहुत कम चली है, 35-40,000 किलोमीटर चली है। इस गाड़ी का प्राइस है 4,90,000 रुपए, जेन्युइन चली हुई 2012, ठीक है। ये थोड़े सा एंटीक पीस है, कोशिश करी है हमने। Why antique? ये 2014 मॉडल है, ये सेम शेप में ही आता है। ओके, इसको 21 में कन्वर्ट किया है। ओके, 18 में नहीं किया, 21 में। लाइट है, चेंज लाइट है, 21 वाली ग्रिल, 21 वाली सारी चीजें 21 वाली कर दी है, ठीक है, पीछे से भी सारा, बैक साइड भी 21 वाली करी है। ओके, इसमें थोड़ा खर्चा लग गया है, ट्राई करी है, पहले सक्सेस होगी तो आगे ऐसे ही शेप करते रहेंगे। 2014 है, सिंगल है, और W8 है। इस गाड़ी की प्राइस आस्किंग है 6,80,000 रुपए। ओके, 21 मॉडल जैसी गाड़ी, 21 मॉडल जैसी। अब ये गाड़ी एक और है, 2012 है, ये गाड़ी बहुत सस्ती दूंगा, अब सस्ती का भी कारण बताऊंगा फिर, प्लीज। 2012 मॉडल है, वाइट कलर है, ये गाड़ी मैं सिर्फ और सिर्फ 3,80,000 की दूंगा। क्यों? क्यों का कारण ये, ओनर सीरियल थर्ड है, ठीक है। अब पंजाब वगैरह आप ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, फर्स्ट ओनर ही बनती है वहाँ पे, परफेक्ट। अब आपको कुछ ट्रेनो दिखाऊंगा, MUV सेगमेंट। 2014 है, HR51 है, सिंगल ओनर है, डीजल है, गाड़ी डस्टर है, ऑलमोस्ट डस्टर वाला रहता है इसमें इंजन, सब कुछ सेम है। ये गाड़ी मिलती है 4,00,000 रुपए की, ठीक है। 2014 है, डीजल है, सिंगल है, वाइट कलर है, ट्रेनो है, XL है। ये गाड़ी मिलेगी 4,30,000 रुपए की। ओके, ये ट्रेनो थोड़ी लेटेस्ट है, 2018 मॉडल है, ट्रेनो है, XE मॉडल है। ये नई गाड़ी लगभग 12-12.5 लाख की आती है, सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली है। इस गाड़ी का प्राइस है 6,85,000 रुपए। ये डिसकंटिन्यूड है या आती है? चल रही है, अभी भी ट्रेनो आती है। ओके, होंडा मोबिलियो, ऐसी मोबिलियो ढूंढने से नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? 40,000 चली हुई सिर्फ होंडा मोबिलियो, 2014 है, डीजल है, सिंगल है। ये गाड़ी हम देंगे 4,30,000 रुपए की, बहुत बढ़िया। होंडा BRV 2016 सिंगल, UP नंबर है, गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन है। ये गाड़ी देंगे हम 6,00,000 रुपए की। आ जाओ, अब आपको वैरायटी दिखाते हैं डस्टर की। डस्टर की एक बार आप वैरायटी देख लीजिए, ये वैरायटी कम है, आपको इसके अलावा और भी डस्टर देखने को मिलेगी जब तक आएंगे, कैटलॉग में भी दिख जाएगी,
क्योंकि ये वीडियो दो दिन में आएगी, तीन डस्टर और भी आ रही है। सबसे पहले 2014 है, डस्टर है, RXZ 110 PS है, गाड़ी मिलेगी 2.25 लाख रुपए की बस। ये जो प्राइस हम बता रहे हैं ये डॉट है। 2017 है, डस्टर है, सिंगल है, अच्छी गाड़ी है। ये गाड़ी 6,40,000 की मिलेगी, न्यू शेप में है। 2013 मॉडल है, डस्टर है, RXZ 110 PS में टॉप एंड, इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता। ये मिलेगी 3,90,000 रुपए की। इस पे थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, ये डस्टर है 2015 मॉडल, ओल्ड शेप, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया है न्यू शेप में। इसमें हेडलाइट्स और फ्रंट क्रोम ग्रिल चेंज कर दी हमने, जो आगे की ग्रिल है थोड़ा बहुत हमारा, जस्ट टू एनहांस द लुक, बस न्यू शेप जैसे वो 17 मॉडल थी उसी को बनाने के लिए। पैसे तो 2015 है, नहीं 17 वाली नहीं है, 2015 है, डस्टर है, RXE है, एक्स्ट्रा एलॉयज और न्यू शेप बन चुकी है ये गाड़ी। इस गाड़ी का प्राइस मात्र 4.5 लाख रुपए है, ठीक है। 2015 डस्टर नहीं मिलेगी, 2013 डस्टर सिंगल 110 PS में RXZ टॉप मॉडल, इससे ऊपर डस्टर नहीं आती, 3,85,000 पे। वंडरफुल। अब इको स्पोर्ट्स की थोड़ी सी लाइन, एक बार लाइन देख लीजिए आप, काफी ज्यादा है, भी है, लेकिन ये सारी लाइन कम है मेरे पास। इसके अलावा जैसे दो डस्टर और हैं वो कैटलॉग में, अब इको स्पोर्ट भी दो और हैं, वो भी आपको कैटलॉग में मिलेगी। 2017 मॉडल, इको स्पोर्ट डीजल टाइटेनियम ऑप्शनल सिंगल ओनर, ये गाड़ी मैं दूंगा 6.5 लाख रुपए की, ठीक है। 2015 है, इको स्पोर्ट्स है, ब्लैक है, ट्रेंड लाइन है, डीजल है, गाड़ी लगभग आपको दूंगा मैं ये 4.5 लाख रुपए की। इको स्पोर्ट की माइलेज क्या रहती है अप्रॉक्सीमेटली? इको स्पोर्ट्स की माइलेज आप मान के चलना कोई 16 से 18 रहती है, और अगर आप कहीं और सर्च करोगे तो आपको 15 मॉडल इको स्पोर्ट्स का प्राइस 5 लाख रुपए के आसपास मिलता है, जो कि मैं आपको 4.5 की दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट डीलर प्राइस हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या आज जूम व्हील्स पे ऑलमोस्ट डीलर प्राइस की बात कर रहे हैं? ऑलमोस्ट डीलर प्राइस की, मतलब अप्रॉक्स डीलर प्राइस तक पहुँच चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया। 15 मॉडल है, इको स्पोर्ट है, इसमें मैं आपको दो कलर अवेलेबल करा सकता हूँ, व्हाइट और ग्रे, डीजल है, सिंगल है, टाइटेनियम है। ये गाड़ी आपको मिलेंगी 5.5 की, जोन से मर्जी कलर की ले लो, ठीक है। 2016 मॉडल है, इको स्पोर्ट्स है, डीजल है, अभी आपको 15 दिखाई दी है, डीजल में 16 है, UP 14 रजिस्ट्रेशन है। ये गाड़ी देंगे हम आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की। बहुत बढ़िया। ये गाड़ी हमारी बुक है सर अभी। ओह, फाइनली बुकिंग। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ वैरायटीज ऑफ यूज्ड कार। तो परेश भाई, अब क्या वैरायटी है? थोड़ी सी सेडान गाड़ी है, इसमें और दिखाएंगे। जैसे ये है 2015 मॉडल की निसान सनी। ये 2015 है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट एक है कि इसकी रजिस्ट्रेशन 2019 में हुई है, तो हमें वैलिडिटी 2019 से 2034 तक की मिलती है। एनी स्पेसिफिक रीजन की इतनी लेट रजिस्ट्रेशन की गाड़ी की? कई बार डेमो गाड़ी होती है, शोरूम में खड़ी होती है, तो रजिस्ट्रेशन लेट कर लेते हैं, उन शोरूम वालों का बेनिफिट होता है, तो वो लेट हो जाती है। तो वैलिडिटी जो है वो शुरुआत होगी इस समय, बेनिफिट जो ये परचेज करेगा उसे मिलेगा। हम इस गाड़ी को बेच रहे हैं 2015 के प्राइस में, 19 के प्राइस में नहीं बेच रहे, बट वैलिडिटी 19 से मिलेगी। बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा, प्राइस 15 वाला। 3,85,000 की है, 2015 है, सन्नी है, पेट्रोल है, XV है, सिंगल है, रजिस्ट्रेशन 2019 है, ठीक है। 2012 है, सुपर्ब है, मैनुअल विद सनरूफ है। ये गाड़ी का प्राइस है 4,60,000 रुपये। ओके। होंडा एकॉर्ड है 2011। अब इसमें भी थोड़ी सी एक बड़ी खास बात है, 11 के लास्ट में गाड़ी की एकॉर्ड की शेप चेंज हुई थी, जिसके अंदर हमें सनरूफ मिल गई थी, क्रोम ग्रिल मिल गई थी, साइड के साइड मिरर्स में इंडिकेटर्स मिल गए थे, थोड़ी सी शेप चेंज हुई थी। 2011 है, न्यू शेप में ऑटोमेटिक सनरूफ, एकॉर्ड, सेकेंड ओनर, मात्र और मात्र 4,65,000 की, UP 16 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑल ओवर UP में जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई टैक्स पे नहीं करना है। 2014 है, ऑडी है, A4 है, डीजल है, सिंगल है, 60,000 चली है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ देंगे हम 12 लाख रुपए की। बढ़िया। दोनों ही वेंटो है? वेंटो मेरे पास वैसे 4 है फिलहाल, मैं भी आपको एक और दिखा रहा हूँ, 2000 कैटलॉग में अवेलेबल है। 2017 है, सिंगल है, ऑटो ट्रांसमिशन, 70,000 चली हुई है, मात्र और मात्र 6.25 लाख रुपए की, पेट्रोल की ऑटो, ठीक है, डीजल की ऑटो। 2016 है, सिंगल है, इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5,65,000 रुपए है। अगेन वी हैव सन्नी, निसान सन्नी है, सन्नी कामयाब गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है निसान सन्नी, शानदार पेट्रोल पे, और इससे सस्ती चीज नहीं मिलती, बताओ। 2012 है, ये गाड़ी का प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 2,30,000 रुपए में, 2,30 में आपको सनी नहीं मिलेगी। ओके। एक फिएट है, जैसे लोग हमें नेक्सॉन किंग कहते हैं, ऐसे हमें ना फिएट की गाड़ी लेने में बहुत मजा आता है। ऐसा क्यों? बट फिएट की गाड़ी क्या होता है, बड़ी खास बात होती है, फिएट की गाड़ी ना संभली हुई गाड़ी लेने का मजा अलग है, हम संभली हुई लेते हैं। ये फिएट की ना अर्बन क्रॉस है, ओके, नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा, अर्बन क्रॉस, पालियो वाली सोच रहा था, अर्बन क्रॉस फिएट की, 2017 मॉडल है, डीजल है, 4.51 है, सिंगल है, 70,000 चली हुई है। गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दूंगा 3,30,000 रुपए की। 2010 मॉडल है, ठीक है, CNG ऑन पेपर है, सेकंड ओनर लीनिया है,
मार्केट में लीनिया की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ये 1,85,000 रुपए की मिलेगी, सेकंड ओनर लीनिया सीएनजी ऑन पेपर। अगली जी, ये तो देखो सारे हमें नेक्सॉन किंग बोलते थे, जब से लोगों ने नेक्सॉन किंग बोलना चालू किया हमें नेक्सॉन मिलना ही बंद हो गई है। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं नेक्सॉन। ओ, किंग को मंत्री बना दिया है। 2019 मॉडल है, नेक्सॉन है, सिंगल ओनर है, गाड़ी की बड़ी खास बात है 2500 किलोमीटर चली है सिर्फ, ठीक है। 19 नेक्सॉन XM पेट्रोल, ओके। लगभग नई गाड़ी होगी आपकी 1,00,000 रुपए के आसपास, और ये जो हम गाड़ी देंगे आपको यस नो में 7,60,000 की देंगे, सिर्फ 3,000 चली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2017 मॉडल है, KUV100 है, डीजल है, K2 है, बेसिक मॉडल, सिर्फ और सिर्फ 3,25,000 रुपए की, ओके। 2016 मॉडल है, सीएनजी ऑन पेपर रिट्स, 3,25,000 रुपए की। 2015 मॉडल है, वैगन आर है, आपको थोड़ा सा लगेगा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ये गाड़ी में स्क्रैचेस का कारण ये मेरे को भी एक्सचेंज में मिली है, रॉ है भी, रॉ कंडीशन में है, ये 2,70,000 रुपए की ऐसी रॉ कंडीशन में दे दूंगा आपको, ठीक है। 2013 मॉडल है, ब्रियो है, 2,85,000 रुपए की, SMT अच्छी गाड़ी है, ओके। ये अच्छा, अभी तो पूरी रेड कलर हो गए हैं, सारी रेड कलर की गाड़ियां हैं। 2018 मॉडल बेलिनो डीजल अल्फा, बेलिनो 2018 है, पेट्रोल है, सिंगल है, 30,000 चलिए, गाड़ी 6,30,000 की दूंगा। अब आप लोगों को वो लॉट की बातें होती थी, ये तीन गाड़ी का लॉट है अभी, वैसे ऐसी 6 गाड़ियां और आनी है, फिलहाल मैं आपको 3 अवेलेबल है वो दिखा रहा हूँ। पोलो है, डीजल है, सिंगल है, 1,00,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड है, गाड़ी हाईली मेंटेन गाड़ी है, हाईली 1,00,000 किलोमीटर चली हुई है। आप गाड़ी चला लोगे, आप उसके बाद मेरे से किलोमीटर्स की बातें नहीं करोगे, मीटर टेम्पर्ड नहीं है, ओके। ट्रेंड लाइन है, डीजल सिंगल ओनर, गाड़ी दूंगा 4,00,000 रुपए की। आगे बढ़ते हैं, 4,00,000 रुपए की, आगे बढ़ते हैं, 4,00,000 रुपए की। तो 4,00,000 रुपए में आप कोई भी पिक करें और अपने घर ले जाएं, चाहे HR 26 ले जाएं, सारी HR 26 तो फिर लॉट है, पूरा लॉट है। और इसके अलावा मैं आपको 8 से 9 गाड़ियां और मेरे पास आनी है डीजल की पोलो, थोड़ी सी मैंने एक गाड़ी की लुक भी चेंज करी है, कैमरामैन से छोटी सी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें मैंने रूफ लगवाई है डबल टेप, साइड में क्रोमिंग कराई है, पीछे स्पॉइलर भी लगवाया है, थोड़ी सी स्टाइलिश GT कन्वर्ट किया है, खर्चा किया है भाइयों के लिए, ऐसी ही कोशिश करूंगा इन्हें भी बनाऊं, बहुत बढ़िया। इसके बाद निसान सन्नी 2014 मॉडल है, रजिस्ट्रेशन 2016 है, डीजल सिंगल XL, गाड़ी 3,40,000 रुपए की दूंगा डीजल में, आगे आते हैं 50-55 चलिए सिर्फ। होंडा सिटी है, 17 मॉडल डीजल, सिंगल ओनर, न्यू शेप, इसमें थोड़े से अलॉयज चेंज हो गए थे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 40,000 विद सर्विस रिकॉर्ड है, गाड़ी यस नो में मिलती है हमें 7,15,000 रुपए की। निसान की डेटसन को जैसे मैंने आपको एक पीछे भी दिखाई थी हरे कलर की तोतिया 2017, ये 2016 है, ये भी आपको 2,00,000 रुपए की मिलती है, 2016 डेटसन गो, फोर्ड की एस्पायर, डीजल सिंगल ओनर 17, ये गाड़ी आपको यस नो में मिलती है 3,40,000 रुपए की, ओके। अर्टिगा 16 VXI न्यू शेप, प्योर पेट्रोल की गाड़ी, 45,000 के आसपास चली हुई है, बहुत ही संभली हुई गाड़ी है, ये गाड़ी देंगे हम 6,30,000 रुपए की, ओके। डीजल की अमेज 2014 है, सेकंड ओनर है, ये गाड़ी हम देंगे 3,25,000 रुपए की, 14 अमेज डीजल। ब्रेजा, आज मैं आपको सर 4 ब्रीजा दिखाऊंगा, जिसमें 2 VDI दिखाऊंगा, बल्कि 3 VDI दिखाऊंगा, 1 ZDI भी दिखाऊंगा। सबसे पहले 2017 मॉडल है, दोनों VDI हैं, दोनों ऑप्शनल है, दोनों सिंगल ओनर है, दोनों में 7,00,000 रुपए की देता हूँ आपको, 40,000-50,000 चलिए, 17,00,000 VDI ऑप्शनल, 17,00,000 VDI ऑप्शनल, 19,25,00,000 रुपए की गाड़ी चली, सिर्फ 15,000 है, ओनली 15,000 लेस ड्रिवन का, 19 ZDI मात्र और मात्र 15,000 चली हुई है, सिंगल ओनर है, ये मिलेगी आपको 8,50,000 रुपए की, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना, देखो आज आपको उड़ीसा दिखाऊंगा, अच्छा ये जाइलो उड़ीसा नंबर एक मेरे पास जाइलो है, ये सेकंड ओनर है, 2013 है, क्वांटो है, 2,65,000 रुपए की देनी है सर, ये 7 सीटर का, 7 सीटर का, बढ़िया। 2011 की सेंट्रो, छोटे प्रोडक्ट है तो बड़ी जल्दी बिकती है, 1,70,000 रुपए की है, ओके। क्विड, UP 14 वाले भाइयों के लिए क्विड ले आया हूँ मैं, मिलती नहीं है जल्दी से ढूंढने से, 2017 क्लाइंबर टॉप मॉडल, सिक्वेंशियल CNG ऑन पेपर, ठीक है, मतलब सोने पे सुहागा है, 1,000 CC में CNG भी लगी हुई है, ठीक है। अब आप ये समझ लो स्कूटी से सस्ती ये है, हाँ, जिस हिसाब से 100-100 रुपए पेट्रोल पहुंचने वाला है उस हिसाब से सस्ती, स्कूटी से सस्ती गाड़ी है ये, सिर्फ दूंगा मैं आपको 2,50,000 रुपए की, ठीक है भैया। आगे 2016 मॉडल क्विड मैनुअल ट्रांसमिशन में 2,20,000 रुपए की, बात करते हैं स्विफ्ट की, 2016 LXI ऑप्शनल डिलक्स सिंगल ओनर, गाड़ी बहुत अच्छी संभली हुई है, ये गाड़ी देंगे हम 4,00,000 रुपए की, ये क्या चीज़ है भैया, आज थोड़े से अलग अलग प्रोडक्ट लाए हूँ देख लो आपके लिए, ये कौन सी प्राणी है, ये यहीं पे ही मिलता है, हमारे इंडिया में ही मिलती है, अच्छा। ये रिनॉल्ट की कैप्चर है, 2018 मॉडल है,
ये डस्टर, इन सब सेगमेंट में सबसे ऊपर गाड़ी है, इससे लग्जरी गाड़ी नहीं मिलेगी। okay. इसका इंटीरियर की भी फोटोज बड़ी, मतलब इंटीरियर बड़ा शानदार है, कैटलॉग में आपको सारी फोटोज मिलेंगी। ठीक है, इसमें प्रोजेक्टर लैम्प अलॉय सब मिलता है। ये गाड़ी 20-22 हज़ार चली है, पेट्रोल है, प्लेटिन है, पेट्रोल टॉप मॉडल RXT। ये गाड़ी हम देंगे 8 लाख रुपये की। ऐसी गाड़ी ढूंढने से नहीं मिलेगी। रेनॉल्ट कैप्चर ये सबसे सस्ती सुंदर है, UP 16 में ट्राइबर 7 सीटर गाड़ी आ रही है आज की डेट में, 5,15,000 की पेट्रोल की, सिर्फ 12,000 चली, 2019 मॉडल। इसे देख के तो मुझे लॉजी की याद आ गई। अरे सर बड़ी लॉजी भी टचविट बहुत बिकी थी, बट हमारे पे दोबारा नहीं आई। क्या ये उस कैटेगरी की है? ये लॉजी को फेल करती है, बस ये फर्क है कि पेट्रोल में है। ओके ओके। दो और ऐसा है, वो 16 की जगह ये 19 मिलती है। 2013 मॉडल है होंडा सिटी, ये देंगे 4.5 लाख रुपए की, सिंगल ओनर है, पेट्रोल है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे सर एक TUV। इसकी भी बड़ी खास बात है, ये ऑटो ट्रांसमिशन में TUV है। आज की डेट में थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम रहती है ऑटो ट्रांसमिशन। और एक और खास बात है, 786 नंबर। ठीक है, UP 14 सिंगल। ये गाड़ी हम देंगे 6,25,000 रुपये की, डीजल की, 40-45,000 चली है सिर्फ। ये 2014 मॉडल है ATIOS डीजल, इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में ATIOS की डीजल की। ये गाड़ी आप मान के चलो अप्रॉक्स मिलेगी 3,15,000 रुपये की। वैगनर सर 8 मॉडल है, वैगनर है, ये 1.25 लाख रुपए की, CNG ऑन पेपर है। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जाइंट मॉन्स्टर। एक है पोर्श पैनामेरा, एक है जैगुआर XF, दोनों हैं वैल्यूबल कार्स और दोनों हैं प्रीमियम सेगमेंट की सेडान। ये सेडान है और ये सेडान नहीं है, ये तो मिक्स है, ये तो स्पोर्ट्स कार कहो आप इसे। तो लेट्स टॉक अबाउट विद द जैगुआर भैया। जैगुआर है 2013 है, XF है, ऑनर सीरियल सेकंड है, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन है, ऑल ओवर HR में आप जहां मर्जी ले जा सकते हो, सिर्फ NOC और वहां पे अपने नाम कराएं। इस गाड़ी की बड़ी खास बात है, जैगुआर आपको शायद जिस प्राइस में मैं दे रहा हूँ उससे 1 लाख सस्ती मार्केट में मिल सकती है, बट आपने मेरी जैगुआर में बैठ गए तो आप कोई और जैगुआर नहीं पसंद करोगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी। तो पहले चलाओ। 53,000 विद सर्विस रिकॉर्ड, सेकंड ओनर HR 26, ओरिजिनल इंटीरियर, इंटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है, कोई पीस पेंट नहीं, टायर ब्रांड न्यू है, मतलब नेक्स्ट टू न्यू कार जिसे कहते हैं, ये वो वाली गाड़ी है 2013। और अब इस गाड़ी का प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी 15.5 लाख रुपए की मैं दूंगा आपको, फाइनल प्राइस 15.5 लाख, बट मिलेगी नहीं। पैनामेरा देखते हैं कि पैनामेरा कितने में देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का अपने को फुल तजुर्बा है। 2013 मॉडल है, बताओ। पैनामेरा डीजल, ऑनर सीरियल सिंगल है। अब आप पहले आइडिया बताओ। इंश्योरेंस आपको पूरे साल की मिलेगी अप्रैल तक की, तो एक बार वॉक अराउंड देख लो आप इस गाड़ी का, पूरी रिन्यू हो चुकी है इंश्योरेंस पूरे साल की, 40,000 विद सर्विस रिकॉर्ड है। प्राइस की बात करें तो जितना आपने सर्विस रिकॉर्ड इसका बताया ना, 40,000, मैं गारंटी है इस संकोच में हूँ कि जिस मॉडल की आप ये गाड़ी बता रहे हैं, वैसे तो गाड़ी बहुत रेयर ऑफ रेयर है, इतनी आसानी से मिलती नहीं है, स्पेशली पैनामेरा। और पैनामेरा आती है नई गाड़ी तकरीबन 1 करोड़ प्लस। अब आपकी जो वैल्यू मुझे लगती है 13 मॉडल की, आप मेरे ख्याल से इसे 40 के ब्रैकेट में लाओगे। आप देखो लग्जरी गाड़ी की इतनी वीडियो बना चुके हो तो मैं इस बात को काट नहीं सकता, ये 40 लाख रुपये की ही है, 2013 है, 40 लाख रुपये की विथ 40,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई पैनामेरा डीजल सिंगल फुल इंश्योरेंस 40 लाख रुपए की। मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ प्लस आती है पैनामेरा। अगर ना यकीन है तो गूगल पे टाइप करके देख लेना कि पैनामेरा कितने की आती है। बहुत ही शानदार गाड़ी है। इसके अलावा सर कैटलॉग हमारा अपडेटेड है, आप देखना कुछ आपको चीज़ इसमें नहीं मिले तो आपको कैटलॉग में भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐड मिलेंगी। NDM 1 के सामने वहाँ पे आपको कॉर्नर पे इनका ऑफिस दिखता है, जूम व्हील्स का, उसके साथ में इनका एक और ऑफिस है, हमने आपको इनकी टीम से भी इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि जब आप आएँ तो आपको एक नॉन चेहरा पहचानने में आसानी हो भैया, इजी रहे। तो बस फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी गाड़ी पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें। और ये लोग जिस दिन क्लोज होते हैं क्लोज कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे, 7 डेज ओपन है। टाइमिंग एक बार कॉल्स की बता दो, वैसे बता दो आप 10:30 बजे के बाद रात को 8-9 बजे तक कॉल कर सकते हैं कभी भी, 9 बजे के बाद कॉल ना करें। और हमारा 7 डेज ओपन रहता है, मंडे क्लोज हम नहीं रख रहे अब, मंडे बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक सेल्स मैनेजर या मैक्सिमम 2 मिलेंगे, बाकी और दिन आपको 6 सेल्स मैनेजर मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप मंडे छोड़ के ही आएँ, क्योंकि मंडे छोड़ के आपको सारा स्टाफ मिलेगा, बट अगर आप मंडे ही आपके पास टाइम है तो मंडे आ सकते हैं, ये लोग ओपन होते हैं और किसी भी गाड़ी की डील क्रैक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं, कैटलॉग वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसी नोट के साथ लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड सी यू अगेन।